दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदार का प्रतीकात्मक का मंदिर बनाने को लेकर के विरोध से के जो सुर हैं वो और तेज हो गए हैं। केदारनाथ धाम से लेकर के पूरी केदार घाटी में इसे लेकर के नाराजगी जाहिर की जा रही है। दरअसल केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, पर इससे केदारनाथ धाम से जुड़े हुए जो पंडित हैं, पुरोहित हैं और धर्मावली में गुस्से का माहौल है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाए जाने को लेकर के जबरदस्त विरोध हो रहा है और केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों को दो दिन से धरना प्रदर्शन करते देखा गया और नारेबाजी वो करते रहे। वहीं इस मामले में कोई कार्रवाई ना होने पर तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ही चारधाम महापंचायत ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे डाली है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा के विपरीत है, सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। बाबा का वास हिमालय में है और आप उस नाम का दुरुपयोग ना करें, इस तरह के कार्य को जल्द भी बंद कर दिया जाना चाहिए। वही मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने कहा है कि ये नर नारायण की तपोभूमि है, पांडवों और भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि है और इसके नाम को खराब ना करें। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ को दूसरी जगह स्थापित करने की बात हो, ऐसे कार्यक्रमों में हम शामिल नहीं हो सकते, हम नहीं शामिल हुए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं केदारनाथ से केदार शिला उठाकर वहाँ ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं और इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो यहाँ दर्शन कर सकता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात है और इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते। अभी भी वक्त नहीं जाया हुआ है। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करके उस ट्रस्ट का नाम जो रखा गया है केदारनाथ धाम ट्रस्ट, हमारी उस नाम पर आपत्ति है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट सिर्फ केदारनाथ में हो सकता है। अब इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बाबा केदार का धाम दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाबा केदार के किसी भी नाम से कोई भी मंदिर बन जाए तो उससे धाम की महिमा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, फिर भी वो आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए बद्री केदार मंदिर समिति को संबंधित लोगों से वार्ता कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि इस मामले से राज्य सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है, न ही कोई आर्थिक सहयोग किया गया है। वही उन्होंने भरोसा भी जाहिर किया कि मंदिर के नाम पर पैसे की कमाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सारा सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।